एक बात और ध्यान में रखना, जितना अपर्चर आपका छोटा रहता है ना, मतलब ये जो ओपनिंग पूरी ओपन होगी, जैसे ये जो आप ओपनिंग देख रहे हो, ये लेंस में वो पूरा ओपन हो रहा है, एवरीथिंग इज ओपन एंड पूरा ओपन है, तो ये जो लेंस है, ये लेंस को जो बनाने का कॉस्ट होता है ना, छोटा अपर्चर बनाने का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। तो आप कोई भी अगर लेंस लोगे जिसमें अगर अपर्चर वैल्यू आप 1.2 देख रहे हो कि मुझे 1.2 का अपर्चर चाहिए, तो वो लेंस आपके लाख रुपीज में कैलकुलेट होगी। जैसे अलेक्स आपके पास अभी वो जो लेंस है 50 mm, तो फोकल लेंथ मान लीजिए 50 mm, कैनन की अगर मैं लेता हूँ, 50 mm का फोकल लेंथ है मेरा, उसमें अगर मैं अपर्चर वैल्यू मुझे 1.8 का अगर मैं लेंस लेता हूँ, 50 mm 1.8, तो वो लेंस मुझे लगभग 7,500 से 8,000 रुपये के आसपास मिल जाता है, ब्रांडेड न्यू। अगर वही लेंस मैं 1.4 का अपर्चर का अगर लेने के लिए सोचता हूँ, तो वो लेंस मुझे कॉस्ट पड़ेगा अराउंड 25 या 26,000, 23,000 mm डाउन पे, लेकिन वो 25-26,000 के आसपास उसका कॉस्ट आ गया। अगर वही लेंस है 50 mm, लेकिन अगर आपको उस पे अपर्चर चाहिए 1.2, दैट इज द फुल ओपन ये वाला, करेक्ट, तो इसको बनाने का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। तो वो जो लेंस है ना 50 mm विद द 1.2 अपर्चर विल कॉस्ट यू अराउंड 1,30,000 रुपीज, 1,30,000 या 1,35,000 के आसपास। तो अब आप देखना कि जैसे आपको मैंने बताया, लेंस तो वही है छोटी 50 mm अलेक्स के पास जो है वो, तो उसमें प्राइस डिफरेंस क्यों आता है? वो प्राइस डिफरेंस इसकी वजह से आता है बिकॉज टू मेक सच बिगर ओपनिंग वाले अपर्चर, कंपनी को बहुत ज्यादा कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, क्योंकि उतने साइज में वो उतना ओपन अपर्चर बनाएगी, उतना जो भी लाइट आ रहा है, लाइट के जो बेंडिंगनेस वगैरह है, टेक्निकली टू एक्सपेंसिव। दैट्स द रीजन द लेंसेज विच आर हैविंग अ स्मॉल फोकल नंबर, अ स्मॉल अपर्चर वैल्यू 1.2, 1.4 या f/1.8, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टलीस्ट लेंसेज होते हैं। ये प्राइम लेंसेज मैंने आपको बताया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो अपर्चर में भी क्या क्या हमने सीखा? अपर्चर इज अ मैकेनिज्म विच एक्चुअली कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट विच इज कमिंग इन योर लेंस। द ओपनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर डायमीटर हैज सम नंबर्स, वो नंबर्स क्या होते हैं आपके F2 होगा, F2.8, 4, 5.6, तो इनको बोलते हैं एफ वैल्यू उनको बोला जाता है, जिसको अपर्चर के स्टॉप भी बोला जाता है। अब उसके बाद अगर आप देखोगे उनका काम क्या होता है, जो भी लाइट है उसको एक सर्टन अमाउंट पे कंट्रोल करना, जो हमने प्रैक्टिकल करके देखा। उसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारा, ये नंबरिंग का रिलेशनशिप कैसे होता है। मुझे अगर कोई बोलता है कि मेरे लेंस में एफ वैल्यू 8 है, तो इसका मतलब क्या? तो 8 अगर नंबर है तो बट ऑब्वियस आपका जो ओपनिंग वो छोटा रहेगा। अगर एफ नंबर बड़ा है, 11 है, 15 है, 16 है, तो आपका जो ओपनिंग वो बहुत छोटा होते जाएगा। तो जितने भी आपके नंबर छोटे अगर है, इट मीन्स वो जो मैकेनिज्म है बहुत ज़्यादा ओपन हो रहा है, नंबर्स बढ़ते जाएंगे तो आपका जो मैकेनिज्म है वो छोटा होते जाएगा, करेक्ट। देन हमने पढ़ा फोकल रेशियो। फोकल रेशियो बहुत जरूरी अंडरस्टैंड करना, बिकॉज व्हेन वी विल यूजिंग अ लेंस, हम लोग जो लेंस यूज करेंगे डेप्थ ऑफ फील्ड के लिए, तो उस वक्त ना फोकल लेंथ एंड अपर्चर वैल्यू दोनों का रेशियो मेंटेन करना पड़ता है। थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है, बट मेक श्योर कि आपको पता होना चाहिए कि जिस फोकल लेंथ के साथ आप शूट कर रहे हो, मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने के लिए जा रहा हूँ, और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने के बाद में वहाँ पर मैं जब शूट कर रहा हूँ 500 या 600 mm के साथ में, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा जो मिनिमम अपर्चर मुझे मिलने वाला है इस लेंस में, इट विल बी 5.6 और 6.3, उससे मुझे नहीं मिलेगा नीचे जो भी अपर्चर वैल्यू। देन आई विल बी प्रिपेयरिंग माई माइंड इन दैट सर्टन डायरेक्शन कि मुझे जो एक्सपोजर है वो एक्सपोजर बाकी के दो सेटिंग्स से कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज अपर्चर का तो मेरे पास लिमिटेशन आ गया, राइट। अपर्चर तो मुझे इतना मिल गया है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि ये जो पर्टिकुलर एक हाथ है मेरा, वो एक हाथ टूटा हुआ है अगर, तो अब मेरे पास एक हाथ जो है उसी से मुझे जो भी मुझे खाना खाना या कुछ भी कुछ कर सकता हूँ, या फिर मुझे अगर जाना है कहीं पे, तो मेरे पास साइकिल ही है, बाइक नहीं है, तो मेरी लिमिटेशन है, जाना तो है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, शॉर्टकट रास्ता अपना, लिमिटेशन
एग्जैक्टली, बट यू विल ट्राई कि उस लिमिटेशन के साथ आपको जो एक्चुअल में रिजल्ट है वो कैसे चाहिए. एक्चुअल रिजल्ट में तुमको चाहिए, अभी मैं सोचूंगा कि मेरे पास अगर साइकिल है और मैं बाइक यूज नहीं कर सकता तो लॉन्ग कट से नहीं जाऊंगा, मैं शॉर्टकट तरीका सोचूंगा क्योंकि मुझे वहां पर उसी टाइम में पहुंचना है. सेम यहां पर होता है कि वी रिक्वायर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट टू गेट एंटर इन योर कैमरा टू कैप्चर दैट पर्टिकुलर इमेज विच इज कॉल्ड एज एक्सपोजर. आपके फोटो में आपको आपके फोटो को क्लिक करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट की जरूरत होती है, तो वो लाइट कितना होना चाहिए उसको बोलते हैं एक्सपोजर. वो जो एक्सपोजर है वो एक दो तीन, इन तीन पिलर्स के साथ में बनाता है, जैसे अपर्चर, शटर और आईएसओ, तीन चीजें होती है. तो उसमें से पहली वाली जो चीज है वो हमने अभी अंडरस्टैंड की, दैट इज द अपर्चर वैल्यू. ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? इसमें किसी को कोई डाउट है? Alex, आपको कोई डाउट है इसमें? नहीं सर. कूल कूल.